अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। दोस्तों, काफी टाइम से एक बात सुर्खियों में चल रही है कि आखिरकार पठान मूवी के अंदर कौन कौन से स्टार कास्ट काम करते हुए नजर आ रही है और दोस्तों कौन कौन से एक्टर्स का इस मूवी के अंदर आपको कैमियो देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए काफी बेहतरीन अपडेट लेके आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अगर आप शाहरुख खान के फैन हैं तो आपके हमारे चैनल को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दोस्तों, अगर हम बात करें फिल्म पठान की, तो यह मूवी एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है जिसके अंदर आपको शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम एक मेन लीड में काम करते हुए नजर आएंगे। अगर हम बात करें तो पठान मूवी वाकई में हम सभी के बीच में एक काफी बेहतरीन और काफी तगड़ा बस बना के बैठी है, क्योंकि दोस्तों जब मूवी का हम सभी के बीच में सॉन्ग रिलीज हुआ तो उसने 100 मिलियन व्यूज क्रॉस कर दिए और दोस्तों एक तरफ मूवी का प्रमोशन भी काफी तगड़ा हो चुका है। यही कारण है कि फिल्म की जो विदेशी एडवांस बुकिंग कलेक्शन है वो काफी तगड़े और काफी बेहतरीन हो चुके हैं। अब अगर हम बात करें तो सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म पठान, जिसको हम सभी के बीच में 250 करोड़ के बजट में बनाया जा रहा है, तो फिल्म में अंदर आपको यह बात तो पता ही है कि कैमियो आपको देखने के लिए मिलेगा सलमान खान सर का। पर दोस्तों, एक बात आपको और क्लियर कर दे कि आखिरकार पठान मूवी जिसके अंदर सलमान खान सर का कैमियो देखने के लिए मिलेगा, क्या उस फिल्म के अंदर आपको ऋतिक रोशन सर का भी कैमियो देखने के लिए मिलेगा? तो दोस्तों, आपको हम बताना चाहेंगे कि ये अफवाह काफ़ी हद तक सच भी बताई जा रही है और काफ़ी हद तक झूठ भी बताई जा रही है। पर दोस्तों, एक बात हम आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहेंगे कि जी नहीं, आपको इस फिल्म के अंदर ऋतिक रोशन सर का जो कैमियो है वो देखने के लिए नहीं मिलेगा। काफ़ी सारे बंदे इस फिल्म को हम सभी के बीच में वार मूवी से जोड़ रहे थे कि इस फिल्म का जो कनेक्शन होगा वो वार मूवी के साथ होगा। तो दोस्तों, आपको हम बताना चाहेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस फिल्म का जो कनेक्शन है वो वार फिल्म के साथ बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अब दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही बेहतरीन अपडेट जानना है तो आपके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं आप सभी के साथ अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।